तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोग एनटीटी 606 के ग्रैंडफादर को अपने बेस पर लेकर आते हैं, मगर उसके बाद वो हमें एक जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर एनटीटी 606 के ग्रैंडफादर एक मैकेनिज्म बनाने लगते हैं ताकि हम लोग जीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन को ट्रैप कर सके, और उसके बाद हम लोग वहां से दूर हट जाते हैं। और वो मशीन भी काम करने लग गई थी और वहां पर बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग भी हो रही थी, लेकिन तभी वहां पर जीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन आ जाते हैं और कैसे भी कर एनटीटी 606 के ग्रैंडफादर उनके ऊपर अटैक करने जा रहे थे, मगर वो लोग हमें रोक लेते हैं। और फिर वो लोग हमें बताते हैं कि हीरो ब्रेन उनके बेस के नीचे फंस चुका है और साथ ही में गाइस अब वो हमारे दोस्त बन चुके थे। गाइस अब आगे देखना पड़ेगा कि ये लोग हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं करते। तो ओके गाइस, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है क्योंकि गाइस अभी ना एंडर ब्रेन और जीरो ब्रेन ने हमें और भी बहुत कुछ बताया है। ओके गाइस, तो फाइनली अभी ना इन दोनों ने कहा वो जो न्यू एंटिटी आया ना गाइस, शायद से इन्हें पता है कि वो कहां से आया है। और गाइस वो आया है हेल से। यस गाइस, एक तो डायमेंशन है हेल और गाइस साथ ही में इनका कहना है कि एक और डायमेंशन है हेवन। और गाइस हेवन में ना अच्छे एंटिटीज रहते हैं और हेल में बहुत ही ज्यादा बुरे, और वो बुरे एंटिटी ना कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। और गाइस साथ ही में अभी जीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन हमें लेकर जाने वाले हैं उसी बेस पर जहां पर गाइस हीरो ब्रेन आखिरी बार हमने देखा था, मेरा मतलब हमने तो नहीं इन्होंने देखा था। लेकिन गाइस साथ तो साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन है ना, ये लोग गाइस हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसीलिए गाइस हम लोग को पहले से रेडी रहना होगा। 606 के ग्रैंडफादर इधर आओ जल्दी। ओके गाइस, मैं ना इसे बता देता हूँ कि ये लोग कैसे एंटिटी है। तो दरअसल मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो जीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन है ना, इन्होंने हमें पहले भी कई दफा धोखा दे दिया है और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि ये लोग दोबारा से हमें धोखा दें। तो अभी ना हमें संभाल कर रहना होगा। ओके, आप समझ गया ना। ओके गाइस, फाइनली ग्रैंडफादर को भी मैंने सब कुछ बता दिया। और गाइस साथ ही में हमें ना कोई तो ऐसा प्लान बनाना होगा कि अगर तो ये लोग हमें धोखा दे भी देते हैं तभी गाइस हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और गाइस वो प्लान बनाने वाला है ग्रैंडफादर। ओके गाइस, अभी पता नहीं ग्रैंडफादर के पास कौन कौन सी पावर्स है, क्योंकि गाइस आपको तो याद ही होगा ना, जब ये एंडर ब्रेन और जीरो ब्रेन पर अटैक करने के लिए गया था तब गाइस पता नहीं वो ना किसी स्लाइम की तरह कोई तो वेपन था जिससे वो अटैक कर रहा था इनके ऊपर। और भी गाइस पता नहीं कौन कौन सी पावर होगी, अभी तक भी इसने हमें नहीं दिखाया। फाइनली गाइस ये तो अच्छा हुआ कि एल्बर्ट को ना मैंने उस ट्री के पीछे छुपा दिया था, जिससे गाइस एल्बर्ट ना अभी यहाँ पर आ चुका है। और गाइस अगर तो कोई भी दिक्कत होती ना तो गाइस सीधा एल्बर्ट भागता अपने बेस पर, क्योंकि गाइस आपको तो याद होगा ना मैंने उसे कह दिया था कि अगर तो हमारे साथ कुछ भी होता तो तुम सीधा बेस पर भाग जाना और साथ ही साथ जेन और आर्थर को भी सारा कुछ बताना। ओके ओके गाइस, लगता है कि ग्रैंडफादर का कहना है कि हमें उसी बेस पर जाना चाहिए, क्योंकि गाइस उन्होंने ना ग्रैंडफादर को बेस की लोकेशन बता दी। ओके फाइनली, लेकिन गाइस बस मेरा दोस्त हीरो ब्रेन उसी बेस पर हो, और गाइस वो तो बेस मतलब डिस्ट्रॉय हो गई है ना, हम लोग कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है किसी भी बेस में बहुत ही ज्यादा ब्लॉक्स होते हैं, और गाइस इतने ज्यादा ब्लॉक्स के नीचे तो हम लोग मुश्किल ही है कि हीरो ब्रेन को ढूंढ पाए। और गाइस साथ ही में अगर तो आपने अभी तक भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब जल्दी से करो ना, अभी तक भी क्या कर रही थी। और गाइस साथ ही में कमेंट भी कर देना 0 SMP ऑन टॉप, और गाइस जो सबसे पहले कमेंट करेगा ना ये उसका कमेंट पिन करूंगा। और गाइस साथ ही में ग्रैंडफादर ने जब जीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन से ये पूछा था ना कि हीरो ब्रेन तुम मतलब हीरो ब्रेन के साथ उस बेस पर तुम लोग क्या कर रहे थे, तभी गाइस ये लोग ना ऐसा समझ लो कि इन पर मुझे शक हो रहा है, क्योंकि गाइस ये लोग बहुत ही ज्यादा अटक अटक के बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये लोग साफ झूठ बोल रहे हैं। अब गाइस हमें तो नहीं पता कि ये लोग मतलब क्या सच है क्या झूठ, वो तो हमें देखकर ही पता लगने वाला है। कि फाइनली गाइस अभी ना हमें इनके पीछे जाना चाहिए। और गाइस साथ ही में ग्रैंडफादर ने ना इन्हें बहुत ही ज्यादा डरा भी दिया कि अगर तो तुम लोगों ने कुछ ऐसा वैसा किया होगा तब तुम मेरी पावर नहीं जानते और मैं तुमको अपनी रियल पावर का बताऊंगा उस वक्त। ओके ओके, तो फाइनली गाइस लगता है कि हम लोग उसी बेस पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि गाइस ग्रैंडफादर तो यहीं पर लेकर आए हैं हमें। ओके एक मिनट गाइस, ये सब क्या हुआ यहाँ पर? और गाइस ऐसा लगता है कि ये ना पूरी बेस डिस्ट्रॉय हो गई, कोई भी ब्लॉक भी नहीं बचा यहाँ पर। ओके भाई साहब, क्या हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे हीरो ब्रेन को? लेकिन गाइस मुझे तो ऐसा लगता है कि हीरो ब्रेन की बॉडी भी खत्म हो चुकी होगी इस डिस्ट्रक्शन में। भाई नहीं गाइस, ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी हमें ढूंढना चाहिए। ओके ओके गाइस, लगता है कि ये ओके एक मिनट, ग्रैंडफादर लगता है कि कुछ बोल रहा है, क्या हुआ? ओ तो ओके गाइस, इसका कहना है कि तुम लोग सब अलग अलग जगह होकर ना डिग कर हीरो ब्रेन को ढूंढो, जिससे गाइस हमें हीरो ब्रेन बहुत ज्यादा जल्दी मिलने वाला है। ओके गाइस, मेरे पास पिकैक्स तो है, ये तो अच्छी बात हो गई, क्योंकि गाइस एनटीटी 606 ने मुझे दिया था। भाई साहब मैं कहाँ पर डिग करूँ? ओके गाइस, यहाँ से भी मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई है तो नहीं हीरो ब्रेन। और गाइस हाँ, साथ ही में वो हमें आवाज भी तो लगा सकते हैं ना, मतलब एनटीटी 606 कोई एंटिटी का आवाज तो लगा ही सकता होगा वो,
अगर तू वो होश में है। एक मिनट भाई साहब, मुझे यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा हीरो ब्रायन, और गाइस साथ ही में ओके यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन भाई साहब वो कहाँ पर होगा इस बेस पर। ओके गाइस, मैं ना एक काम करता हूँ कि ना हर जगह ऐसे स्ट्रेट डिग करता हूँ, क्या पता गाइस मुझे हीरो ब्रायन ऐसे ही कर मिल जाए। और ओके गाइस, थोड़ा नीचे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि हीरो ब्रायन ज़्यादा नीचे होगा। और गाइस मैं ना ऐसे चारों तरफ करने वाला होता है गाइस, हीरो ब्रायन कहीं पर भी हो वो हमें मिल जाए। एक मिनट, क्या भाई गाइस, क्या ये सच में हीरो ब्रायन है? ओके ओके फाइनली, जल्दी से मैं ग्रैंडफादर को बुलाता हूँ। जीरो ब्रायन, ग्रैंडफादर कहाँ पर गए? ओके ओके, एनटीटी 606 भी यहीं पर है। अबे भाई ये सुन भी नहीं रहा, पता नहीं गाइस वो क्या कर रहा है अपना। ओके ओके, ये पहले मैं चेक तो कर लूँ ये हीरो ब्रायन ही है ना, वैसे मेरा वहम तो नहीं है, वरना गाइस ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाला है मेरे पे। ओके, ये मुझे रियली लगता है। अबे भाई ये ग्रैंडफादर तो सुन ही नहीं रहा, लगता है गाइस ये ना अपना ही ढूंढा जा रहा है, इसीलिए गाइस इसे मेरी आवाज़ भी नहीं जा रही। एक मिनट गाइस, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। ग्रैंडफादर, क्या आपको आवाज़ आ रही है? ओके ओके फाइनली, ग्रैंडफादर इधर जल्दी, मुझे हीरो ब्रायन मिल गया। ओके फाइनली गाइस, उसने सुन भी लिया, अभी वो लगता है कि यहीं पर आने वाला है। फाइनली गाइस, ग्रैंडफादर एंटिटी 606 एल्बर्ट, मुझे हीरो ब्रायन की बॉडी मिल गई। भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि गैस यहाँ पर ग्रैंडफादर आ तो रहा है, और गैस साथ ही में वो लोग ना इसे पकड़कर मतलब निकाल देंगे। ओके ग्रैंडफादर, आप ध्यान से सुनो। अबे भाई मैं नीचे क्यों गिर गया? क्योंकि अभी मैं इनके बताता हूँ। भाई साहब मुझे ना हीरो ब्रायन मिल चुका है, वहाँ पर अंदर है। क्या आप चाहते हो कि मैं वाटर लेकर आऊँ? मगर कहाँ से लेकर आऊंगा? ओके ओके गाइस, इनका कहना है कि अगर तो हमें हीरो ब्रायन को होश में लाना है ना, तब तो गाइस हमें उसके ऊपर वाटर बकेट से मतलब 2-3 बार मारना पड़ेगा, ताकि गाइस वो होश में आ जाए। ओके गाइस, अभी ना इन्होंने मुझे एक बकेट दिया है, और इनका कहना है कि तुम जल्दी से वाटर लेकर आओ, जब तक मैं और साथ ही में एंटिटी 60 से हीरो ब्रायन को पकड़ कर ना वहाँ से बाहर निकालते हैं। ओके भाई सब, एंडर ब्रायन यहाँ पर क्यों फिर रहा है? फाइनली गाइस हमें अपना दोस्त हीरो ब्रायन मिल तो गया, मगर गए उसका ना सर भी हिल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना मतलब समझ नहीं पा रहा, या फिर गए उससे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, मतलब कुछ तो उसके साथ अलग लगता है। और गए अब ये क्या हुआ, ये तो जीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन ही हमें बता सकते हैं कि उसके साथ उन्होंने क्या किया है जो उसकी हालत ऐसी हो गई। और गाइस ऐसा भी हो सकता है कि ना उसके ऊपर मतलब गाइस कोई बड़ी बेस गिरी होगी, इसीलिए गाइस हीरो ब्रायन की ये हालत हो रखी है। मगर गाइस कैसे भी कर जो भी हुआ है ना, अभी हमें सब कुछ ठीक करना होगा। ओके फाइनली गाइस, मैं यहाँ पर पहुँच तो गया। फाइनली गाइस, ग्रैंडफादर ने तो हीरो ब्रायन को निकाल कर रखा हुआ है, और गाइस आप लोग नोट करो इसका सर तो हिल रहा है। अबे भाई ओके ओके गाइस, मैं इसके ऊपर वाटर मारता हूँ, मगर ये तो उठ भी नहीं रहा। ग्रैंडफादर हमें क्या करना चाहिए, इसे तो कोई असर भी नहीं हो रहा। भाई साहब ये तो ज़रा सा भी नहीं हिल रहा। गाइस आप लोग बताना कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ जीरो ब्रायन, ओके ओके गाइस, लगता है कि जीरो ब्रायन ना कुछ बता रहा है ग्रैंडफादर को। भाई सब देखते हैं, ओके क्या इसे कुछ पता है क्या? जीरो ब्रायन पता नहीं गाइस क्या बोल रहे हैं ग्रैंडफादर को। एक मिनट भाई सब, ये कहाँ पर गया? एक मिनट गाइस, ये वहाँ पर जाकर रुक क्यों गया? क्या गाइस ये तो लाइटनिंग गिरा रहा है, मगर इससे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हुआ? भाई सब जीरो ब्रायन, तुमने उसे ऐसा क्या बोल दिया? भाई सब ये इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों दिख रहा है? ओके गाइस, मैं ना जल्दी से जाकर इससे पूछता हूँ। ओके लगता है गाइस ये मुझे बुला रहा है। ग्रैंडफादर लेकिन क्या हुआ, आप इतना गुस्से में क्यों हो? क्या भाई गाइस ऐसा नहीं हो सकता। ओके तो गाइस फाइनली अभी ना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो चुकी है, और गाइस ग्रैंडफादर ने मुझे बताया है कि जीरो ब्रायन और एंडर ब्रायन ने ना उन्हें बताया है कि कैसे भी कर हमने हीरो ब्रायन का ब्रेन निकाल लिया था, और ना हम लोग उसके ऊपर कोई तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे वो हमारे साथ मिल सके, और साथ ही में वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो सके। लेकिन गाइस उसी दौरान वो जो एंटिटी हेल से आया ना, वो गाइस इनके बेस पर अटैक कर देता है, और गाइस साथ ही में वो जो मतलब ब्रेन था अब उन्हें नहीं पता कि कहाँ पर है, और गाइस साथ ही में हीरो ब्रायन की बॉडी भी बहुत ही ज़्यादा मतलब गाइस आपको तो पता ही है अंडरग्राउंड हो चुकी थी और इन्हें नहीं मिली, इसीलिए गाइस ये लोग हमारे पास हेल्प मांगने आए हैं। तेरी तो गाइस इसके ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन गाइस ये ग्रैंडफादर यहाँ पर क्या बना रहा है? ओके ओके गाइस, लगता है कि ये लोग ना कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं ब्रेन ढूंढने के लिए, या फिर गाइस कुछ तो कर रहे हैं ये लोग। ओके आप लोग यहाँ पर करो भाई साहब, लेकिन एक मिनट भाई ये मुझे क्यों मार रहा है? और गाइस साथ ही में गाइस मुझे तो इन पर पहले ही शक हो रहा था, क्योंकि गाइस ये लोग ना हमें सही से नहीं बता रहे थे कि हीरो ब्रायन के साथ ये लोग क्या कर रहे थे, और साथ ही में वो मतलब कहाँ पर था इतने दिनों से। एक मिनट भाई साहब क्या कर रहा है ये भाई? एक मिनट गाइस, इसने आयरन बार, अबे इसने तो गाइस एंडर ब्रायन को ट्रैप ही कर दिया अंदर, लेकिन क्यों भाई? एक मिनट गाइस, ये एंडर ब्रायन मुझे क्यों हिट कर रहा है? अबे भाई ये जीरो ब्रायन भी निकालने बोल रहे हैं अपने भाई को। भाई साहब ग्रैंडफादर भाई ऐसा मत करो, क्योंकि अभी हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। गाइस ये तो खराब हो जाएगा ऐसे तो। अबे क्या
ओके तो गाइज अभी ग्रैंडफादर का कहना है कि इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, अब तुम छोड़ दो, मैं इन्हें संभाल लूँगा। लेकिन भाई साहब गाइज ऐसा करने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। गाइज आप लोग बताना कमेंट में, क्या ये जो ग्रैंडफादर है ये मतलब सही डिसीजन ले रहा है, या फिर गाइज हमें इस एंडर ब्राइन को ट्रैप नहीं करना चाहिए था। और गाइज साथ ही में ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, ये तो लाइटनिंग भी कर रहा है। जीरो ब्राइन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा था उसे करने के लिए। ND6 06 तुम जल्दी से अपने ग्रैंडफादर को जाकर बोलो कि एंडर ब्राइन को जल्दी से निकाले। फाइनली गाइज वो तो गया। जीरो ब्राइन तुम चिंता मत करो कि हम लोग तुम्हारे भाई को निकाल लेंगे यहाँ से, बस एक दफ़ा उनका गुस्सा शांत होने दो। भाई सब ये पता नहीं आयरन बार भी ना कोई मजबूत वाली है, एंडर ब्राइन से नहीं तोड़ पा रहा। भाई वो तो इधर ही देख रहा है कि मैं उसे कहीं रिलीज ना कर दूँ। भाई सब तुम लोग करो अपना, मैं तो चला यहाँ से। भाई पता नहीं गाइस ये जो ग्रैंडफादर है ये हमारी मदद करने आया या फिर गाइस ये क्या कर रहे हैं। वैसे गाइस आप लोग बताना क्या ये सही कर रहे हैं एंडर ब्राइन को ट्रैप कर कर या फिर नहीं। और गाइस हमें ना अभी साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर तो हीरो ब्राइन का ब्रेन चला गया है ओके गाइस तभी तो ये ना तो कुछ सोच पा रहा है और गाइस ना ही कोई सुन पा रहा है, क्योंकि इसके पास तो ब्रेन भी नहीं है ना, ऐसा समझ लो कि ये पैरालाइज हो चुका है। इसीलिए गाइस ये सिर्फ अपना सर हिला रहा है, मतलब गाइस ये होश में तो है। और गाइस अभी ना मुझे हीरो ब्रेन को देखकर इसके ऊपर भाई साहब दया आ रही है, क्योंकि भाई हमारा दोस्त ऐसी हालत में कैसे आ सकता है। और गाइस साथ ही में मैंने ND6 06 को भेजा तो है उसके ग्रैंडफादर के पास कि कैसे बिकर कर उन्हें बोलो। एक मिनट गाइस जी वेदर खराब हो गया और वहाँ पर लाइटनिंग क्यों हो रही है। एक मिनट गाइस ये तो वही एंटिटी है, नहीं गाइस यहाँ पर कैसे आ सकता है। और गाइस ये वही एंटिटी है ना जो कि मुझे दिखा था ब्लैक कलर का। अरे भाई ये तो एंडर ब्राइन भी अब ट्रैप हो चुका है, अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसे। भाई साहब एंडर ब्राइन इस आयरन मैन को नहीं तोड़ पा रहा, मैं कैसे तोड़ूंगा। भाई साहब भागो यहाँ सर। ओके गाइस ग्रैंडफादर का कहना है कि तुम लोग सब यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। ओके गाइस कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन गाइस एंडर ब्राइन तो पीछे ही रह गया। गाइस लगता है कि ग्रैंडफादर ना उस एंटिटी को कैसे भी कर भगा देगा वहाँ से। एक मिनट गाइस ये तो यहीं पर आ गया, अबे ग्रैंडफादर ऊपर ही है। एक मिनट गाइस जल्दी से मुझे भी जाना चाहिए वरना ये मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। और साथ ही में गाइस हम लोग सब यहाँ पर आ तो चुके हैं, लेकिन गाइस बस जीरो ब्राइन का भाई रह गया। जीरो ब्राइन तुम चिंता मत करो। एक मिनट गाइस यहाँ पर तो फाइट होने वाली है बहुत ही तगड़ी वाली। और गाइस ये तो लाइटनिंग पर लाइटनिंग गिरा रहा है। और साथ ही में गाइस आप लोग ना ग्रैंडफादर को देखो, ये तो वही वाली पावर यूज कर रहा है ग्रीन वाली। एक मिनट गाइस वो तो भाग गया। ऐसा लगता है गाइस ग्रैंडफादर के पास कुछ भाई ओपी पावर है जो कि गाइस उसने ना उस पर यूज करने की कोशिश की, मगर गाइस वो भाग गया। और एक मिनट भाई गाइस ऐसा लगता है कि जीरो ब्रेन बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसे ना अपना भाई किसी भी हाल पर चाहिए। अभी ग्रैंडफादर भाई ये वापस क्यों आ रहा है, एंडर ब्रेन को देखने जाओ ना भाई क्या। ओके तो ओके गाइस अभी ना ग्रैंडफादर कहना है कि हमें अभी मतलब एक्टिंग करनी है यहाँ से भागने की, लेकिन मगर क्यों भाई। ओके गाइस लगता है कि वो एंटिटी हमें छुप कर देख रहा है, इसीलिए गाइस हमें यहाँ से जाने की एक एक्टिंग करनी है, उसके बाद हम लोग थोड़ा ही दूर जाते ना वापस आ जाएंगे अपने दोस्त एंडर ब्राइन को बचाने के लिए। मगर गाइस मैं अपना दोस्त तो नहीं बोलना चाहूँगा उसे, क्योंकि एंडर ब्राइन ने जो किया है ना हमारे साथ गाइस हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। बस गाइस इसे ना मैं ट्रैप कर दूंगा कैसे भी कर, पहले तो हमें हीरो ब्राइन का ब्रेन मिल जाए। हीरो ब्राइन तो अबे भाई नहीं गाइस, हीरो ब्राइन की बॉडी भी तो पीछे रहेगा ही, ऐसा नहीं हो सकता गाइस वो एंटिटी कुछ कर ना दे। भाई साहब गाइस अगर तो वो हीरो ब्रेन का ब्रेन लेकर चला गया उस बेस से, तब तो गाइस वो हीरो ब्रेन की बॉडी भी ले जाएगा नमा से। अबे ये ग्रैंडफादर क्या कर रहा है। अबे भाई मुझे इसके ऊपर और गुस्सा आ रहा है, ये एक तो हमारी मदद करने आया है लेकिन पता नहीं अब ये क्या क्या कर रहा है। और गाइस साथ ही में आपको तो याद ही होगा ND6 06 ने हमें बताया था कि ग्रैंडफादर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर्स है, लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तो गाइस उसके पास पावर्स होती ना भाई साहब क्या हुआ। भाई ये लोग वापस जा रहे हैं। ओके गाइस लगता है कि अभी हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि गाइस उस एंटिटी को ऐसा लगा होगा कि हम लोग ना चले गए दूर, अब गाइस हम लोग वापस जाएंगे। और गाइस साथ ही में उस ग्रैंडफादर के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है मुझे नहीं लगता, क्योंकि गाइस अगर तो उसके पास पावर होती तब वो ब्लैक एंटिटी को रोक लेता वो जो गाइस वहाँ पर आया था। वैसे मुझे तो लप्पू सा लगता है, पता नहीं गाइस उसके ग्रैंडफादर कुछ कर भी पाएंगे या फिर नहीं। भाई साहब एक तो उसका दिमाग भी ख़राब है और उस लप्पू ने एंडर ब्राइन को भी गलत टाइम में ट्रैप कर दिया। और गाइस जब हम लोग भाग रहे थे तब भी गाइस उसने आयरन बार नहीं तोड़ा। भाई साहब उसकी तो अभी गाइस उसे ना मैं सारा कुछ बताता हूँ कि अगर तो मतलब गाइस ऐसा करना है तो तुम हमारी मतलब हमारे साथ छोड़ सकते हो, क्योंकि गाइस हमें फिर ऐसी की ज़रूरत नहीं है। हमें गाइस इस टाइम कोई ऐसा एंटिटी चाहिए जो कि गाइस दिमाग से खेले और कैसे भी कर ना हमारे दोस्त हीरो ब्राइन का ब्रेन ढूंढ ले। अभी भाई ओके गाइस जल्दी से बस मैं यहाँ पर जाता हूँ। और गाइस बस एंडर ब्राइन यहाँ पर प्रोटेक्ट हो, और गाइस साथ ही में हीरो ब्राइन की बॉडी भी। भाई साहब उस लप्पू ने ना उसकी तो मैं बताता हूँ उसके। भाई एक मिनट
एंटिटी 6 06 नहीं।